ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम श्री मातृ नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। और ये जो दिवाली है, लक्ष्मी पूजन है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और धनत्रयोदशी का आज दिन है, यमदीप दान का जो दिन है, इसकी भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो लेक्चर का भाग है, ये गोवर्धन पर्वत पूजन इससे संबंधित है। गोवर्धन पर्वत और जो श्री विद्या है, इसका क्या संबंध है, उसके बारे में हम देखेंगे। श्री विद्या जो है, बहुत बड़ा विस्तारित सब्जेक्ट है। बहुत लोग श्री विद्या का श्री यंत्र घर में लगते हैं, श्री विद्या की कई कई से दीक्षा लेते हैं, मोस्ट ऑफ दी फेक दीक्षा लेते हैं। बहुत सारे लोग, उनको अंदर तक की जानकारी नहीं होती। श्री विद्या सिर्फ भोग मोक्ष देगी, इन दोनों नामों के ऊपर लोगों को बेच दी जाती है, मैं सच बताऊं तो। परंतु देवी कहां से आएगी और आपको कहां से भोग देगी और कहां से मोक्ष देगी, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इतने सालों में आपने पंचदशी के जाप करने के बाद आपको कहां से भोग मिला और कहां से मोक्ष मिला, तो बहुत सारे लोग जो है प्रॉपर नॉलेज नहीं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का विषय है गोवर्धन पर्वत और श्री विद्या का क्या संबंध है। गोवर्धन पर्वत और ललिता त्रिपुर सुंदरी श्री यंत्र, इसका क्या संबंध है, ये जो गुप्त रहस्य है, ये गुप्त रहस्य हम आज श्री विद्यापीठम द्वारा देखेंगे। ये जो रहस्य है, ये दुनिया में किसी के पास कोई भी बता नहीं सकता मित्रों, ये सिर्फ श्री विद्यापीठम ही आपको बता रहा है। तो ये पूरा का पूरा लेक्चर सुनिए प्रॉपर। गोवर्धन की जो पूजा है 25 और 26 तारीख को है। तो बहुत सारे लोग बरसाना वृंदावन जाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, उनका पूजन होता है। किंबहुना बहुत सारे विदेश के लोग जो लोग हैं या इंडिया में कहीं से लोग उस टाइम वहां नहीं पहुंच सकते, तो ऐसे लोग होते हैं कि जिनके पास गोवर्धन की मिट्टी होती है पर्वत की। अब आपको मालूम है वृंदावन बरसाना में गोवर्धन पर्वत है, तो वहां की मिट्टी लोग लेकर जाते हैं, वहां के पेड़ों के जो पौधे अथवा जो पान होते हैं सूखे, वो लेके जाते हैं। और गोवर्धन पर्वत का जो अभी 25-26 अक्टूबर को जो दिन है, उस दिन उठाया था श्री कृष्ण जी ने पर्वत, और लगातार 2 दिन वो पर्वत उठाकर रखे हुए थे। तो ये जो मिट्टी और पान लेकर जाते हैं और उस दिन उसका पूजन करते हैं। ऐसे काफी सारे जो रहस्य है ना, बहुत बड़े बड़े रहस्य है। तो ये सारे सब्जेक्ट है। अब मेन लेक्चर को शुरू करने से पूर्व हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेहतरीन नॉलेज, गुप्त रहस्य और रहस्यात्मक ज्ञानवर्धक चीजें जो है वो आपको यहीं से मिलेगी। जिनको दिवाली में सिद्ध कुंजी का साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, कुलदेवी के लिए शुरू करनी है, वो शुरुआत कर सकते हैं। ये साधना कोई भी वर्ल्ड में नहीं सिखाता, आप गूगल ढूंढ लीजिए, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 64 योगिनियों की साधना है, ये भी कहीं पर, ये बुक है भी नहीं अवेलेबल। ये तांत्रिक प्रयोग कोई सिखाता ही नहीं है। सुवर्णाकर्षण भैरव साधना, इसका भी तांत्रिक विधि कोई नहीं सिखाता। तो ये कोर्सेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, मेरा मोबाइल नंबर है स्क्रीन पर, आप इन कोर्सेस को ज्वाइन हो सकते हैं, इन्फॉर्मेशन में दे दूंगा आपको। तो आगे के लेक्चर के लिए शुरुआत करते हैं। गोवर्धन पर्वत, ये जो श्री कृष्ण जी ने उस जमाने में, यानी उस समय जो अपने उंगली से उठाया था, तब ये जो पोस्चर है आप देखेंगे, गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी जब उठाते हैं तब उनका पैर जो है वो राइट पैर लेफ्ट पैर को आड़े हो जाता है और ऐसे वो उठाते हैं। तो उसमें क्या है कि आप देखें कि वो जो पोस्चर है उसको श्री कृष्ण जी का शांतम रूप कहा जाता है, शांतम रूप। तो और एक कंधे, एक हाथ से उन्होंने पर्वत उठाया था और दूसरे कंधे पर राधा जी उनके कंधे के ऊपर बैठी हुई थी। अब ये जो पर्वत है, ये पर्वत और श्री विद्या श्री यंत्र और ललिता त्रिपुर सुंदरी का क्या कनेक्शन है, ये मैं अभी आपको बताता हूं। ये नॉलेज जो है, इससे बेहतरीन नॉलेज आपको एडवांस श्री विद्या एसेंशियल हमारे कोर्स में मिलेगा, वो आप नॉलेज का कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है, ये उस जमाने में ट्राइंगल की तरह दिखता था, त्रिकोण की तरह। त्रिकोण जो है, ये त्रिकोण, ये देखो, ये अर्थ, ये ब्रह्मांड जो है, इसका जो अधिपति है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी है, उसको दिया गया है। और ट्रायंगल इनडायरेक्टली उसके एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है। और गोवर्धन पर्वत जो ट्रायंगल जैसा था, वो उसका स्वरूप था उस टाइम।
और ये जो त्रिकोण जो उसका स्वरूप था उसको ही उसने उठाया। अब ये एक चीज है। और ये त्रिकोण मतलब क्या है कि अभी देखिए, त्रिकोण मतलब ललिता त्रिपुर सुंदरी के श्रीयंत्र का त्रिकोण। दूसरी बात है कि दो दिन तक लगातार श्री कृष्ण जी ने उसको अपने गोवर्धन पर्वत को उठाया। दो दिन मतलब कितने हुए, 24 घंटे, मतलब 24 + 24 48 hours। अब श्री यंत्र का अगर आप अभ्यास करेंगे, श्री विद्या का अभ्यास करेंगे, तो श्री यंत्र में ट्रायंगल कितने हैं, श्री यंत्र ट्रायंगल ट्रायंगल से बना हुआ है, तो श्री यंत्र में 43 ट्रायंगल प्लस बिंदु, बिंदु को भी ट्रायंगल बोला जाता है, तो है कितने, 44 ट्रायंगल्स। ठीक है, अब 44 ट्रायंगल श्री यंत्र के और 4 डोर्स, 44 प्लस 4 डोर्स हो गए कितने, 48। तो ये 48 तत्व श्री यंत्र के और ये 48 आवर जो है ये श्री कृष्ण जी ने उसे उठाया था। मतलब क्या है, पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत ऐसा माना जाता है श्री विद्या के तंत्र जगत में, अति रहस्यमय जो जगत है वहां माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत एक प्रकार से श्री यंत्र माना जाता था, यानी अभी भी माना जाता है, जिनको पता है उनको ही पता है ये सारी गुप्त रहस्य। तो श्री कृष्ण जी ने इनडायरेक्टली ललिता का पूर्ण साम्राज्य जो है वो उठाया था। तो आप सोचिए, ललिता का पूरा साम्राज्य उठाने के लिए कितनी ताकत चाहिए, और ये इतना बड़ा साम्राज्य उठाने के कारण उस गोवर्धन पर्वत को उतना महत्व आया। और उसके बाद आपको मैं बताता हूं, ललिता का अगर आप फोटो देखेंगे तो ललिता के हाथों में राइट हैंड में ऊपर तोता बैठा हुआ है, पर तोता बैठा किसके ऊपर है, 5 पुष्पों के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये 5 पुष्पों का जो अधिकार है, और 5 पुष्प जो है वो एक्चुअली गोवर्धन पर्वत से उसको मान सम्मान के रूप में मिले हुए थे, उसकी पीछे एक रहस्यमय बातें हैं। तो आपने कभी सोचा कि अगर गोवर्धन पर्वत से 5 पुष्प उसे मिले हैं, तो 5 पुष्प मिलने से पूर्व के काल में भी ललिता त्रिपुर सुंदरी थी, तो उस समय जब श्री कृष्ण जी का जन्म भी नहीं हुआ था और ये घटना भी नहीं हुई थी, तब ललिता के हाथों में क्या थे, तब ललिता के हाथों में 5 बाण थे सिर्फ, और 5 बाणों का स्वरूप जो था ये फूलों में परावर्तित हो गया, ये उसके पीछे का रहस्य है मित्रों। और भी इसमें बहुत सारा रहस्य है, मैं यहाँ पे इतना रहस्य को आपके सामने प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ गुप्त बातें होती है और वो एक गुरु से शिष्य के द्वारा चले जाते हैं, ये हमारे पास जो सीक्रेटली लोग सीखते हैं उनको हम कुछ चीजें इसमें बता देते हैं। आपको समझ में आ गया, ये श्री यंत्र और श्री विद्या का एक रहस्य है। उसके बाद आपको बताता हूं, जब ये सारी चीजें उसने उन्होंने उठाई, ललिता को मान सम्मान के रूप में वो 5 पुष्प बाण मिले, और बाद में ललिता ने 5 पुष्पों की एनर्जी चेंज कर दी और फूलों का परिवर्तन कर दिया, उसमें भी कुछ रहस्य है। उसके बाद इंद्र आ गए, इंद्र आने के बाद आपको बताता हूं कि इंद्र गए थे ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कौन है श्री कृष्ण जिन्होंने इंद्र की पूजा करने से रोक दी, तो बाद में वो जो आता है ना कि श्री कृष्ण जी ने लाखों करोड़ों ब्रह्मा अनंत ब्रह्मांडों में घूम रहे, वो रहस्य उनके सामने उजागर कर दिया। एक्चुअली ये सारा जो है ये इस तरह से गुप्त रहस्य है, इसलिए गोवर्धन पूजा का महत्व है, और गोवर्धन पूजा इस समय में आती है। आप देखिए, दिवाली जब शुरू होती है तो दिवाली शुरू होने से पूर्व धूमावती लक्ष्मी का तत्व आता है, और उसके बाद रमा एकादशी आ रही है। अब आप में से बहुत सारे लोग रमा एकादशी मतलब वो सीता की है, लक्ष्मी की है, राधा की है, ऐसे मानते हैं, परंतु रमा एकादशी का एक महत्व और अंदर की गुप्त बात मैं आपको बताता हूँ। रमा एकादशी और गोवत्स द्वादशी जो होती है ना, तब से लेकर त्रिपुरारी पूर्णिमा जब तक होती है तब तक डेली तुलसी का महत्व होता है, और तुलसी को दिया दिखाना होता है, और वो गोवत्स द्वादशी रमा एकादशी से एक्चुअली शुरुआत होती है इसकी। रुंदा यानी तुलसी का एक नाम रुंदा भी है, तुलसी का दूसरा नाम रमा भी है, और वो जो रमा ये जो शब्द है ना एक्चुअली तुलसी से संबंधित है, और जो तुलसी की जो कथा हुई थी वो हमें जो सुनाई देती है वो कथा यहाँ हम पढ़ते हैं, तुलसी का और उसके पति का जो कुछ रुंदा का हुआ था वो घटना जो हुई थी ये रमा एकादशी से प्रेरित थी, ऐसा है। और उन दोनों का विवाह जो था वो
त्रिपुरा डी को राजा तुलसी के विवाह होता है ना, तब वो उनका विवाह हुआ था, परंतु घटना जो थी वो कल से एक्चुअली शुरू हुई थी। ये अंदर के रहस्य है। अब देखिए यमदीप दान है, यमदीप का पूजन होता है। अब बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिस्ट और वास्तु वाले बोलेंगे यम का पूजन दक्षिण दिशा में करना है, दक्षिण दिशा में दिया दिखाना है, परंतु मित्रों दक्षिण दिशा जो है यहां यम का कार्य क्षेत्र एक्चुअली शुरू होता है, परंतु वो रहता दक्षिण दिशा में नहीं है, वो रहता ईशान्य में है, और ईशान्य में रहकर दृष्टि डालता है अपने गैलरी में से बोल सकते हैं या घर से बोल सकते हैं, वो दृष्टि डालता है दक्षिण दिशा की ओर, दक्षिण दिशा से उसका कार्य क्षेत्र शुरू होता है। तो जैसे हम दक्षिण दिशा में दिया दिखाते हैं वैसा दिया जो है हमें ईशान्य दिशा में भी रखना चाहिए, क्योंकि उसके घर को भी एक दिया दिखाना चाहिए ना, प्रवेश द्वार जो होता है उसको भी घर को दिया दिखाना चाहिए, ये भी रहस्य है। तो ये अधूरे अधूरे चीजें जो है वो आधे अधूरे लोग पढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं, काफी सारे चीजें जो होती है वो समझ कर लेनी पड़ती है। अब इसमें तेल में कौन सा तेल यूज करना चाहिए, अब देखिए तेल भी जो हम यूज करते हैं ना ये तेल केमिकल फॉर्म में आता है, क्योंकि मशीन से तैयार होता है वो, और मशीन से आया हुआ तेल जो होता है उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया भी होती है, तो वो भी कुछ रहस्य होते हैं, ये रहस्य भी सीखने होते हैं। और आप मित्रों श्री विद्यापीठम में इतना ही नॉलेज, आपको श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक नॉलेज लेना है तो श्री विद्यापीठम ज्वाइन कीजिए, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल ये कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए मित्रों। धन्यवाद मित्रों।